फुटबॉल प्रतियोगित आयोजन जबरदस्त लगते टीम पाते प्रेम नगर कुंग्राम जबरदस्त फाइनल टीम पाते लेकिन यहाँ पर पहला पेनल्टी शॉट आउट का अवसर मिला प्रेम नगर कुंग्राम की टीम है पेनल्टी शॉट आउट को गोल में बदल सकती है नहीं देखना बाकी है दिलचस्प होगी यस वाह रॉकेट की रफ्तार वाले गेंद को सीधा रोकने में सफल बहुत ही बेहतरीन है धन्यवाद देना चाहेंगे जो कि दिलजला की गोलकीपर रेंज में नेट तक जाने वाली गेंद को सीधा अपने हाथों से रोकने में सफल हुआ क्षमता पावरफुल अपना टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किए जो कि रोलांडी की टीम के गोलकीपर दिलजला की गोलकीपर और लच्छू बारी अपना टीम के लिए क्या पेनल्टी शॉट आउट करेंगे चंद्रमान जी ये लच्छू बारी क्या गोल कर पाएंगे गोल करेंगे तो निश्चित तौर पर और बेहतर होगा क्योंकि फाइनल का विजेता टीम है बनने के लिए अवसर मिलेगा ये देखना बाकी है थोड़ा सा मौका दिया जाए शॉट करने का क्योंकि डिस्टर्ब हो जाती है शॉट करने के बाद देखेंगे क्या होगा अच्छा जितने छोटे जानवर है सब अपना अपना घर में चुप बैठे रहते तो यहाँ पर दोनों की टीम में शेर 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 है दोनों की टीम के बीच बड़ा मुकाबला हुई दो टीम के पेनल्टी की पहला पेनल्टी को सफलता नहीं अब तक भी 0-0 दोनों टीम है मैच ये देखना बाकी है चंद्रमोहन जी और दूसरा पेनल्टी शॉट आउट प्रेम नगर कुंग्राम के खिलाड़ी के द्वारा अपना पोजीशन ले चुके की करने के लिए अरे 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 बाबा रे वाह अरे 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 क्या जादू है रे क्या काला जादू है साथ है गोल की पोस्ट के एंगल में लगकर सीधे गोलकीपर के शरीर पर लग गई गेंद फिर भी गोल हुआ नहीं ये लगता है भाग्य का खेल चल रहा है मुझे तो ऐसे ही लग रहा है भाग्य का खेल चल रहा है क्योंकि दो गोल मिस किया गया है कुंग्राम के द्वारा जी बिल्कुल मिस किया गया कुंग्राम के द्वारा ये कहना बड़ा मुश्किल होगी क्योंकि टैगर फुकरिया में वैसे एक ही टूर्नामेंट हुआ बड़ा चकड़ी के बीच तीन पेनल्टी शॉट आउट को गोल नहीं के पाला शॉट आउट का मौका मिला था लेकिन बाद में एक की टीम ने शॉट आउट किया लेकिन जो तीन का तीन गोल लेके वो हर जीत के द्वारा पूरा जीत हासिल किए क्योंकि एक गोल करने पर जीत हासिल करने वाला टीम गोल नहीं कर पाया और यहां पर रोनाल्डी की तरफ से ये गोल की बढ़त अभी तक हो चुकी है दिलजला के लिए दिलजला को एक गोल की बढ़त मिली है अब एक एक शॉट बाकी है दोनों के लिए जी बिल्कुल एक एक शॉट बाकी है कुंग्राम को एक मौका मिलेगी और दिलजले का भी एक लेकिन बढ़त अभी तक दिलजले के लिए है कहते जपा इनका गोल पोस्ट का कब जापान का कब ककला एक पर है का ककलाए थे इनका का ककलाए थे डिस्टर्ब हो क्लियर है और डिस्टर्ब हो गोलकीपर डिस्टर्ब हो इनका हाफत है तिगो गिरा था एल पे अल पे ककला भाया गोल पोस्ट जपा का ककला थे हेलो सारे तिगे सिंको चिड़के सिंपल पार के बोले पूरे जापान रहता है हमारा सिंको जो एंडी का चापा ने निर्धन को को दुखू है अरे पंडित क्या खेल का ज्यादा दिखाएंगे के लिए अपने टीम के लिए अंतिम पेनल्टी शॉट आउट के रूप में वाह
पंडित का जादू क्या मंत्र लगाए संस्कृति में या क्या में मंत्र लगाए पंडित के द्वारा अपना टीम के लिए तीन पेनल्टी में थे तो अंतिम पेनल्टी शॉट आउट को गोल में तब्दील करने में कामयाब तो हुआ। अंतिम में शॉट दिल जले एफसी की ओर से अगर गोल कर पाते तो निश्चित तौर पर अपना टीम विजेता टीम में घोषित होगा। अभी दिल जले के लिए थोड़ा सा बाकी है। जी जान लगाकर जो प्रेम नगर कुमराम के टीम है जी जान लगाकर गोलकीपर पूरी तरह से गेंद को किसी भी हाल से रोकने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर अपना टीम को बराबर पर लाने में कामयाब होगा वरना टीम है घोषित होगा क्योंकि 11 गोल दबाने के बाद भी इस टूर्नामेंट से जो कि उप विजेता के रूप में नाम होगा वरना क्या देखना बाकी है। चंद्रमा ये एक चांस देखा जाए। वाह बहुत सुंदर गेंद बहुत दिल जले ने दिल जलाया नहीं सब के लिए मनोरंजन का तोहफा दिया है। दिल जले